और हरियाणा में दोनों जगह ही सरकार कोरोना महामारी की जंग में, कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने में नीतिगत तरीके से वो कामयाबी नहीं पा पाई जो उसे पानी चाहिए थी। उसके कई कारण हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। 25 तारीख को 12 बजे से रात के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन 1 की घोषणा की और ये कहा कि 18 दिन में कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत लिया गया था, ये हम 21 दिन में जीत लेंगे। उसके बाद लॉकडाउन 2 आया, फिर लॉकडाउन 3 आया, फिर लॉकडाउन 4 आया और अब हम लॉकडाउन 5 में चले गए हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कोई इस बारे में जानकारी नहीं दी कि लॉकडाउन से बाहर निकलने का हरियाणा प्रदेश और देश का क्या रास्ता है। देश में 562 संक्रमण थे जब आपने लॉकडाउन लगाया, आज 2,00,000 के नज़दीक संक्रमण पहुंच गए हैं जब हम लॉकडाउन खोल रहे हैं। ऐसे में पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो गई, किसी को एक फूटी कोड़ी भारत सरकार भाजपा सरकार ने सहायता नहीं दी और किसान मजदूर दुकानदार व्यापारी लघु उद्योग सबके सब ठप पड़े हैं। हरियाणा का हाल और बुरा है। चाहे आप चावल उद्योग देख लीजिए पूरी जीटी रोड का, चाहे आप एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट उद्योग मुख्यमंत्री खट्टर साहब की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी करनाल का देख लीजिए ठप, आप प्लाईवुड इंडस्ट्री, बर्तन इंडस्ट्री, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री जगाधरी यमुनानगर और अंबाला की ठप पड़ी है। हमारा हैंडलूम उद्योग, दरी उद्योग, रजाई उद्योग पानीपत का ठप पड़ा है। कार की एंसिलरी इंडस्ट्री और दूसरी एंसिलरी इंडस्ट्री गुड़गावा फरीदाबाद और मेवात की ठप पड़ी है। रोहतक की पूरी इंडस्ट्री और झज्जर की ठप पड़ी है। जींद में तो वैसे ही उद्योग की बहुत कमी है, सारे उद्योग ठप पड़े हैं। हमारे लगभग 2,50,000 से ज़्यादा, 2,50,000 से 5,00,000 के बीच में छोटे और बड़े दुकानदार साथी हैं। 52 दिन तक उनकी दुकानें बंद रखी गई, ना उनके किराए में छूट मिली, ना उनके वाणिज्यिक बिजली के बिलों में छूट मिली, ना उनके कारिंदों की तनख्वाह में छूट मिली। 200 करोड़ रुपया खट्टर साहब ने कोरोना फंड का जबरदस्ती वसूल लिया, 20,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने पीएम केयर फंड के नाम पे वसूल लिया, पर वो पैसा गया कहाँ, मिला किसको?